जेन्युइन कस्टमर्स के ऑर्डर हैं और कंप्लीट जो है माल रेडी हो चुका है। इस रॉ अगरबत्ती की जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। बात करें तो ये है कार्टून जो कि ब्राउन स्टिक का है। ब्राउन स्टिक मीन्स प्योर T1 बेज्ड, किसी भी तरीके से और अलग टाइप के जो है लो क्वालिटी के पाउडर्स हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ये T1 बेज आपको ऑरेंज अगरबत्ती देखने को मिलेंगी। सो फिर ये कुछ इस तरीके से आपको ये पूरी कंप्लीट लोडिंग होते हुए दिख रही होंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे यहाँ पे रॉ अगरबत्ती पैकिंग होके रखी हुई है। इसके बारे में आपको एक छोटा सा डिटेल वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। सो फिर ये कुछ जेन्युइन कस्टमर्स के ऑर्डर हैं और कंप्लीट जो है माल रेडी हो चुका है। इसमें से क्या क्या चीज़ें हमने कस्टमर्स को एज अभी भेज रहे हैं उसके बारे में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। सो फिर जैसे कि आप जानते होंगे रॉ अगरबत्ती की जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम लोग करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, जिसमें से आपको ब्लैक वाइट कलर और कुछ कस्टमाइज रॉ अगरबत्ती अलग तरीके से आपको बनवानी हो तो वो भी कंप्लीट जो है रेडी करते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है कार्टून पैकिंग की हुई है, इसके ऊपर बैग से और रैपिंग की हुई है ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी इसमें से बने रहे और ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरीके से कोई इशू ना हो। और ये जो है कंप्लीट बल्क ऑर्डर जो है कस्टमर्स का था काफ़ी सारे, और जो अलग अलग कैटेगरीज की अगरबत्ती है वो भी पैकिंग होना एज अ स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी में भी लोडिंग जो है हो रही है और यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है कस्टमर्स के 3 टाइप की अलग अलग रॉ अगरबत्ती की जो है उनको डिमांड थी, तो पूरा कंप्लीट एवरेज 2 टन के आसपास का माल रेडी हुआ है। इसमें से ये हमारा हो गया ब्लैक, इधर काफ़ी सारे जो थे कंप्लीट ये ब्लैक का था। कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे मशीन जो है वो भी आपको दिखेंगी। आगे बात करें तो ये है कार्टून जो कि ब्राउन स्टिक का है। ब्राउन स्टिक मीन्स प्योर T1 बेज, ये ब्राउन स्टिक आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक सैंपल्स के लिए कार्टून रखी हुई है, बाकी कार्टून्स पूरी गाड़ी में लोड हो चुकी है जैसा कि अभी आप ये देख पा रहे होंगे। ये सारी जो है ब्राउन स्टिक की बोरियाँ हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कार्टून है उसके ऊपर ये बैग से रैपिंग की हुई है ब्राउन जो है स्टिक। और इसी के साथ साथ और एक कस्टमाइज अगरबत्ती थी उनकी जो कि इसमें जो है कंप्लीट ऑरेंज अगरबत्ती पैकिंग की हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये भी प्योर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसका वो T1 बेज हम लोग बनाते हैं एज अ किसी भी तरीके से, और अलग टाइप के जो है लो क्वालिटी के पाउडर्स हम लोग यूज़ नहीं करते। तो ये T1 बेज आपको ऑरेंज अगरबत्ती देखने को मिलेंगी और कुछ इस तरीके से। सो फिर कुछ इस तरीके से ये सारा जो ऑर्डर्स थे वो पूरी तरीके से लोडिंग हो चुकी है और गाड़ी आप देख ही पा रहे होंगे और कंप्लीट पैकिंग करके और कुछ इस तरीके से बैग्स में रेडी करके ये सारी चीज़ें पैकिंग की हुई है और कंप्लीट जो है लोडिंग भी हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहूँ ये जो है अभी रिसेंट टाइम का ऑर्डर जो हमारे जेन्युइन कस्टमर्स हैं वो ओडिशा के लिए डिस्पैच हो रही हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे तो आप इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह से हो आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिलीवरी मिल जाएंगी, और जितने भी आपके क्वांटिटीज़ ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज़ हो वो भी आपको फुलफिल किया जाएगा। और ये तो था पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस, बाकी आप वीडियोस में देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से जो है रॉ अगरबत्तीज हो या फिर और भी अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड मटेरियल्स हो वो सारे क्वालिटीज़ कैसे होते हैं। और ये पूरा गुड्स जो है रेडी हो गया है, ये इसका ईवे बिल है पार्टी का, और ये पूरा ट्रांसपोर्ट पे जाने के लिए रेडी है।